मैनपुरी में आज कचहरी तिकोनिया पार्क में केंद्र व उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकारों की जन विरोधियों के विरोध में माननीय पूर्व सांसद तेज प्रताप सिंह की अध्यक्षता में धरना प्रदर्शन किया गया। इस मौके पर भारी मात्रा में सपा के कार्यकर्ता व भारी पुलिस बल मौजूद रहा, जिसमें सभी लोगों ने अपने अपने विचार रखे और सरकार की योजनाओं पर जमकर निशाना साधा तथा सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की तथा रेप, बलात्कार, भ्रष्टाचार जैसी नीतियों पर जमकर सरकार के खिलाफ उनकी नीतियों पर विरोध किया गया। हमारी पार्टी के नेता आजम खान साहब खिलाफ षडयंत्र हो रहा है, लगातार उनको जो परेशान किया जा रहा है और देश की जो आज कानून व्यवस्था है, हत्या लूट बलात्कार के अपने मामले लगातार जहाँ हो रहे हैं उसके विरोध में संजय जी, एक यहाँ के जो 7 लोग यूपी के जो फंसे हुए हैं सऊदी अरब में, उनके लिए आपके आपकी तरफ से क्या? हमारे माननीय विधायक जी ने, पार्टी के सभी नेताओं ने डीएम साहब से मिलकर उनकी रिहाई की मांग की है और डीएम साहब ने आश्वासन दिया है कि सरकार से बात करके, विदेश मंत्रालय में बात करके उनको काम करेगा। कल भी एक उनका वीडियो वायरल हुआ है। नहीं होगा तो हम लोग जाके पार्टी की तरफ से दिल्ली में माननीय राष्ट्रपति जी के द्वारा निवेदन करवाएंगे विदेश मंत्रालय को, ताकि मंत्री जी को कल भी एक उनका वीडियो वायरल हुआ है, वो कह रहे हैं कि वहाँ से मंत्रालय गए थे लेकिन वहाँ से कुछ मेरा हुआ नहीं, अब मुझको बुला लीजिए, मेरे पास कोई रुपया नहीं रहेगा, खाने के लिए तैयार करें माननीय राष्ट्रपति करेंगे बात करके उन लोगों की। अभी समाजवादी नेताओं के द्वारा पता लगा कि भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं ने समाजवादी राष्ट्रीय नेतृत्व के खिलाफ कोई अभद्र टिप्पणी की है, फेसबुक पर पोस्ट डाली है, उसके संदर्भ में क्या कहना चाहते हैं आप? सत्ता के नशे में ये लोग लगातार आए दिन इस तरह के काम कर रहे हैं और किसी पार्टी के नेता के खिलाफ, चाहे वो भाजपा का हो, बसपा का हो, कांग्रेस का हो, हम लोग कभी इस राय के नहीं रहेंगे किसी भी नेता के खिलाफ अभद्र टिप्पणी की जाए, और जिन लोगों ने अभद्र टिप्पणी की है हम लोग सब मिलकर कप्तान साहब के पास जाएंगे, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाएंगे और कड़ी कार्रवाई की मांग शासन मंच से भाषण के दौरान वो टिप्पणी बताएगी, पढ़ के बताएगी, उसके बाद कार्यकर्ताओं में काफी आक्रोश दिखाई दे रहा है, क्या समझाने का प्रयास करेंगे कार्यकर्ताओं को आप यहाँ ऐसे चलता है? अरे 8 घंटा रुक जाओ भैया मेरे साथियों।